तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है मोबाइल लेजेंड्स की एक और वीडियो में। थंबनेल देखकर समझ आ ही गया होगा वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। काफ़ी लोगों ने पूछा था रीप क्या होता है, तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तैयार कर लो गाइस। तो गाइस सबसे पहले हम जान लेते हैं रीप क्या होता है। एक्चुअल में रीप डैमेज का ही एक टाइप है। ये डैमेज हाई अमाउंट का डैमेज होता है। ये हाई अमाउंट का डैमेज जब स्पीड के साथ कंबाइन होकर किल निकालता है तब ये रीप कहलाता है, और जो हीरोज इस तरह की डैमेज देने में सक्षम होते हैं वो रीपर कहलाते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि असैसिन और मार्क्समैन को ही रीपर की कैटेगरी में रखा गया है, और ये हीरोज स्पीड किलिंग करने में सक्षम होते हैं। इनका काम ही होता है फिनिशर्स निकालना। एक तरह से बोल सकते हैं रीपर ही फिनिशर होते हैं। असैसिन की बात करें तो स्किल के कॉम्बो से पूरे डैमेज देकर सीधे फिनिश निकालते हैं। यहाँ पर हम सेबर को देख सकते हैं, सेकंड थर्ड स्किल को कंबाइन किए और एनिमी यहीं पे ख़त्म। मार्क्समैन के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इनके बेसिक अटैक इतने पावरफुल होते हैं कि इनके 4-5 हिट से ही एक एनिमी ख़त्म हो जाता है। मैक्स होने पर 1000-2000 यहाँ तक कि 2000 से ऊपर तक की भी डैमेज क्रिटिकल होकर एक हिट से निकलती है। और कुछ मार्क्समैन ऐसे भी हैं जिनके स्किल्स में डैमेज होते हैं लेकिन उनके बेसिक अटैक थोड़ा कम हो जाते हैं, फिर भी स्किल्स का कम्बो लेकर वो रीपर के कैटेगरी में आ जाते हैं। तो अब गाइस पोक के बारे में बात कर लेते हैं। पोक का मीनिंग इंटरनेट में सर्च करेंगे तो हमें कुछ इस तरह के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब प्रहार, धक्का, आघात, कुरेदना जैसे शब्दों को पढ़ें तो समझ आ जाता है कि पोक का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके डैमेज देना। तो गाइस हमारे मोबाइल लेजेंड्स में जो हीरोज पोक की कैटेगरी में आते हैं उनकी एक न एक स्किल ऐसी होती है जिसकी कूल डाउन टाइम कम होती है, जिससे कि आप कंटिन्यूसली उस स्किल को ट्रिगर कर सकते हैं, और इस स्किल की डैमेज भी कम रहती है। इस कम डैमेज के साथ जब सामने वाले एनिमी को बार बार हिट पड़ता है तो स्वाभाविक ही वो परेशान होगा। तो गाइस जो पोक स्किल्स होती है वो एनिमी के लिए बहुत ही अनोइंग हो जाती है। पोक स्किल्स फ़ायदेमंद होती है हरासमेंट के लिए और अपने लेन को एनिमी पुश होने से बचाने के लिए। ज़्यादातर आपने देखा होगा मेज ऐसे स्किल्स रखते हैं और पोक की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर गाइस आप वलीर को देख सकते हैं। फर्स्ट स्किल इसकी डैमेज दे रही है और सेकंड स्किल पुशबैक कर रही है, जो कि सामने वाले के लिए बहुत ही अनोइंग हो जाता है। नेक्स्ट है गाइस चेस। चेस का सीधा मतलब है भागते हुए एनिमी को पकड़ना। जो हीरोज चेस की कैटेगरी में रखे गए हैं उनकी खासियत ये होती है कि वो किसी भी लो हेल्थ में भागते हुए एनिमी को पकड़ सकते हैं और किल निकाल सकते हैं। ऐसे हीरोज़ के पास ब्लिंक की स्किल होती है जो कि अपने और एनिमी के बीच के डिस्टेंस को कम करती है। एक बात यह भी है कि एक चेस हीरो दूसरे चेस हीरो को हमेशा नहीं पकड़ सकता, तो हम यह भी बोल सकते हैं कि चेस हीरो भागने में भी सक्षम होते हैं। ऐसे में काम आती है स्पीड अप। जिन हीरोज़ के पास स्पीड अप की एबिलिटी होती है वो दूसरों की अपेक्षा तेज़ी से भाग सकते हैं। स्पीड अप के लिए मोबाइल लेजेंड्स में बहुत कुछ दिया हुआ है। इस टॉपिक पे एक अलग ही वीडियो बन सकती है। अगर किसी हीरोज़ की बात की जाए तो इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है जीलोंग, जो कि सेकंड स्किल में ब्लिंक के साथ अल्टीमेट में स्पीड भागने की भी एबिलिटी रखता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दो और ऐसी ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।